पर्यटक आते हैं और ऐसे में पार्कों के पानी से नहाते हुए नजर आए पर्यटक। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और यूपी में जबरदस्त तरीके की अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, गर्मी से लोग बेहाल हैं। जो लोग सड़कों और पार्कों में वहाँ जा रहे हैं लोग, वो गर्मी से बेहाल हैं। कुछ जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि पानी को देखते ही जो पर्यटक हैं ताजमहल का दीदार करने जो आ रहे हैं, पार्कों में पानी को देखते ही वहाँ पहुँच जाते हैं और इस गर्मी से निजात पाने के लिए वो अपने ऊपर सड़कों पर पानी डाल रहे हैं, पानी से खेल भी रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप पानी से खेल रही हैं पार्क में, आप घूमने आए हैं, क्या वजह है पानी से खेलने? और इस गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम मतलब अपना थोड़ा ठंडा करने के लिए तो पानी से खेल रहे हैं, बस खूब फेस पे डालते हैं। बहुत तेज़ गर्मी, जून में ये हाल है, हम इतना ज़्यादा आगरा में पहली बार इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ी है। जून की शुरुआत हुई है अभी और जून की शुरुआत में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, सड़कों पर क्या लग रहा है आपको, लोग निकल रहे हैं गर्मी के कारण? कोई भी निकलना नहीं चाह रहा है, सब छुट्टियाँ बात बात के जाते हैं, इतनी धूप होती है, सब कहते हैं घर में ही रोज से अच्छा तो बाहर निकलना बेकार है, इतनी गर्मी होती है। कार में ज़्यादा कार नहीं होती है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है धूप में निकलने में। अभी आप पार्क में आए तो पानी यहाँ मिल गया, जब आप सड़क पर जा रहे हैं तो वहाँ क्या आप गर्मी से निजात पाने के लिए तरीके अपना रहे हैं? पीने का पानी ले लेते हैं, उसी को फेस पर डाल लेते हैं, इतनी धूप हो रही है यहाँ पर। हमने पाइप देखा तो हम उससे नहाने लग गए, इतनी धूप लगी थी हमको, रहा नहीं ला रहा था, इतने जल रहे थे हम पूरे। तो गर्मी का तापमान जो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। ताज दीदार को जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो पर्यटकों में पानी के रिसाव के लिए अपना गर्मी से राहत पा रहे हैं। आगरा से सुमित अग्रवाल, भारत समाचार। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है।